हेलो नमस्कार जी। दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, वीडियो को देखिएगा अंत तक। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोनों बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, टैबलेट के साथ सिम न मिलने से छात्र ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, गर्मियों की छुट्टियों में ऑनलाइन पढ़ाई करने के निर्देशालय ने निर्देश दिए हैं, जबकि जो टैबलेट्स दिए जा रहे हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, उसमें छात्रों को अभी तक सिम प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, जिससे वे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट में बताइएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिएगा, फर्जी मार्कशीट बनाने वाले यहाँ पे सिपाही गिरफ्तार किए गए हैं। जी हाँ, जो कि फर्जी मार्कशीट बनाते थे, रोहतक का रहने वाला था आरोपी, दसवीं और बारहवीं के बच्चों से लाखों रुपए ठगते थे। आपको बता दें, ये जो मार्कशीट बनाते थे, ये दसवीं और बारहवीं कक्षा की मार्कशीट बनाते थे। आपको बता दें, ये हरियाणा मुक्त विद्यालय शिक्षा परिषद की दसवीं बारहवीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट बनाकर लाखों रुपए में बेचते थे। पुलिस ने 6 दिन के रिमांड के दौरान आरोपी से दसवीं बारहवीं की 111 फर्जी मार्कशीट बरामद की है। आपको बता दें, जो कि लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा करते थे। इन पर किस प्रकार का केस करना चाहिए और क्या कुछ आप इन पर मुकदमा चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।